हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये बीएड और बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, वैसे मैं बता दूं कि मैंने भी बीएड किया हुआ है और यूपी टेट सीटेट मैं भी क्वालिफाई हूँ। तो सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है कि अब जिन्होंने बीएड किया है वो प्राइमरी का पे नहीं बैठ पाएंगे। दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं दिया जा सकता, पहली बात तो ठीक। अब ये सूचना बहुत दुखद पूर्ण है कि एनसीटीई ने पता नहीं क्या नियम रेगुलेशन बनाए थे कि बाद में ये चीज़ बीएड वाले अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ी। लेकिन मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं कि अब बीएड वाले जो भी बच्चे हैं, अब जो जहाँ जहाँ पे धरना कर रहा है वो उनकी इच्छा है, उनका अपना ओपिनियन है। मेरा ये मानना है कि धरना करने से कुछ होना नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब बदला नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि उनके पास हम लोगों से ज़्यादा दिमाग है और जो उन्होंने फैसला दिया है बहुत सोच समझ के दिया होगा, ठीक है। इतनी बात तो तय, इतनी बात तो आप भी मानते हैं। अब इस बात पे अगर आप मुझे कुछ शब्द कहना चाहें तो ये आपकी इच्छा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला नहीं जा सकता। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जिसका पेशा वकील हो और वो बीएड वाले बच्चों से ये कहे कि नहीं हम लोग इस पे पिटीशन डालेंगे, याचिका डालेंगे, आपसे वो पैसे ऐठे, तो इन सब बातों से आप बिल्कुल आगाह रहिएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं दिया जा सकता। देखिए, राजस्थान के कोर्ट के फैसले को चैलेंज दिया गया था तभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, मतलब यूपी कोर्ट में भी पहुंचा था फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ठीक है। तो अब उनका फैसला तो जो है वो सर्वोपरि है, तो आप किसी के चक्कर में ना फंसिए। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, मैंने भी बीएड किया है, एलएलबी भी मैंने करी है, अब हो गए तो हो गए बाहर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे लाइफ पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपने यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप प्राइवेट स्कूलों में भी जाके पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग में जाके पढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी तो आपके पास नॉलेज है ही, तभी आपने बीएड किया, तभी आपने यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई किया। अब अगर इस मेरी आप इस बात से नाराज़ होते हैं कि मैं कुछ ऐसा वैसा बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, फालतू का धरना देने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों से आगाह करूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है धरना करने की, जो फैसला आ गया उस फैसले का सम्मान करिए। धरना देने से कोई फैसला नहीं बदलेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ या ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, तो ठीक है, आपका आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप जहाँ चाहिए वहाँ धरना करिए, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो प्राइमरी से बाहर क्या करते हैं, जूनियर से बाहर करते हैं, इससे क्या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर टैलेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी डिपार्टमेंट में जाएँ, ठीक है, हम प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं और उससे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि टीचर जहाँ चाहेगा वहाँ पढ़ाना चालू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एक टीचर सक्सेस हो सकता है हर एक फील्ड में, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई का रिवीजन करिए, बार बार रिपीट करिए, कोई एक प्राइमरी से बाहर होने से आपका कैरियर नहीं रुक जाता। बाकी मेरी कोई बात आपको अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जिस बात के लिए मैंने आपको आगाह किया है उस बात से आप सचेत रहिएगा, बाकी इच्छा आपकी है, फंसते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी वकील, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे कहता है कि नहीं हम इस फैसले को चुनौती देंगे, तो आप जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। बाकी आपको अगर डिटेल सेक्शन जाननी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए, मैंने कई ऐसे वीडियो बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। धन्यवाद।